हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक किचन एंड फैन चैनल। दोस्तों, आज हम वेनिला आइसक्रीम बनाएंगे। वेनिला आइसक्रीम में सिर्फ हम 5 आइटम यूज़ करेंगे। उसमें दूध रहेगा और अमूल का फ्रेश मिल्क रहेगा, क्रीम रहेगा, शुगर रहेगा, कॉर्नस्टार्च थोड़ा लेंगे और हम वेनिला एसेंस लेंगे वेनिला फ्लेवर के लिए। तो इतना 5 चीज़ों से हम आइसक्रीम अपने घर में बना सकते हैं। सो आज हम ये वेनिला आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा अंतिम तक देख लीजिए और आपको वीडियो कैसा लगेगा तो आप लाइक्स, कमेंट्स, फीडबैक देंगे दीजिए मेरे को। दोस्तों, हम घर का फ्रेश दूध डाल रहे हैं इसमें। सो दूध का क्वांटिटी रहेगा 200 ml क्वांटिटी रहेगा दूध का। तो 200 ml दूध का हम आइसक्रीम बनाएंगे। दोस्तों, लेकिन दूध प्योर दूध होना चाहिए, उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। दूध जितना ज़्यादा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो उतना आइसक्रीम भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए दूध में पानी मत डालिएगा। दोस्तों, हमने 200 ml दूध लिया था। सो अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर में अपना स्पून का 6 स्पून शुगर डालूँगा। तो अभी मैं इसको हिलाऊंगा, अच्छे से शुगर मेल्ट होने दूंगा। ओके दोस्तों, हमारा ये शुगर पिघल चुका है। अभी हम इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे। उसके लिए कॉर्नस्टार्च डालने के लिए पहले हम कॉर्नस्टार्च में थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे। अगर गर्म दूध डालेंगे तो फिर लम्स हो जाएगा, तो इसके लिए ठंडा दूध डालेंगे और उसको डालने के बाद उसको फेंटेंगे अच्छे से। दोस्तों, मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, इसमें 2 स्पून कॉर्नस्टार्च लिया है मैंने, छोटा स्पून का 2 स्पून। सो मैं अभी इसमें ठंडा दूध डालूंगा। सो मैं इसको अच्छे से अभी बीट करूंगा। दोस्तों, अभी मैं कॉर्न स्टार्च इसमें डालने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, हमारे ये घाट हो गए, जाड़ा हो गया। अभी हम इसमें अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे, डाल के इसको हिलाएंगे, फिर उसके बाद हम वेनिला एसेंस डालेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसमें अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे। सो डालने से पहले इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगा, इसको अच्छे से शेक करना होगा। शेक करने के बाद हम उसमें डालेंगे। सो ये रहता है 250 ml का रहता है। सो हमने 200 ml मिल्क डाला था, तो अभी हम ये 250 ml का ही अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे, क्योंकि क्वांटिटी इसको मिला के करना पड़ता है। अगर क्वांटिटी कम हो गया तो फिर टेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कम हो जाता है टेस्ट। तो इसके लिए इसका क्वांटिटी उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं अभी इसको अच्छे से हिलाऊंगा, उसके बाद खोल के डालूंगा। दोस्तों, मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ ये। दोस्तों, ये देखिए, हमने अमूल का फ्रेश क्रीम डाल के इसको अच्छे से हिला दिया है। अभी हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। तो मैं 1 स्पून वेनिला एसेंस डालने जा रहा हूँ। ये है वेनिला एसेंस, ये वेनिला एसेंस डाल रहा हूँ 1 स्पून। ज़्यादा भी मत डालिए, ज़्यादा डालने से फिर टेस्ट फिर कड़वा हो जाता है। इसके लिए क्वांटिटी के हिसाब से डालिए। ओके दोस्तों, अभी इसको थोड़ा हिलाएंगे अच्छे से। ओके दोस्तों, अभी हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर में डाल के थोड़ा इसको ठंडा करके फिर फ्रिज में डालेंगे। हल्का, अभी गर्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, थोड़ा और थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम फ्रिज में डालेंगे। 1-2 घंटा फ्रिज में डालने के बाद इसको ठंडा होने के बाद फिर निकाल के हम इसको अच्छा से अपना मिक्सर में डाल के इसको अच्छा से ग्राइंड करेंगे। सो अभी मैं पहले इसको कंटेनर में डाल रहा हूँ। ओके
ओके दोस्तों, देखिए कंटेनर में डाल दिया, अभी थोड़ा रूम टेम्परेचर हो गया। सो अभी मैं इसको फ्रिज में डालूंगा। फ्रिज में डाल के 1-2 घंटा इसको फ्रिज में रखने के बाद ठंडा हो जाएगा। हल्का ठंडा होने के बाद इसको फिर हम निकाल के फिर इसको अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद फिर हम इसको फ्रिज में डाल के, डीप फ्रिज में डाल के इसको 7-8 घंटा इसको फ्रिज में डाल के उसके बाद आइसक्रीम बन जाएगा। सो दोस्तों अभी मैं इसको फ्रिज में डालूंगा। दोस्तों हम लोग ने इसको फ्रिज में रखा हुआ 2 घंटा हो गया, अभी हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। सो मैं इसको अभी मैं खोल रहा हूँ। सो अभी इसको देखिए, अभी इसको हम मिक्सर में डाल के, ओके दोस्तों अभी हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। फुल स्पीड में मिक्सर में 2 मिनट इसको बीट करेंगे, उसके बाद फिर हम कंटेनर में डाल के फिर इसको फ्रिज में डालेंगे। ओके दोस्तों, हम इसको 2 मिनट अच्छे से फुल स्पीड में बीट किया, अभी हम वही कंटेनर में डालने जा रहे हैं। तो इसको कंटेनर में डाल के ओके दोस्तों, अभी हम इसको कंटेनर को ऊपर से कि लगाएंगे अल्मीनियम का, अल्मीनियम फॉइल का, ताकि इसमें आइस अगर जमेगा तो इसके ऊपर जमेगा, अंदर नहीं जमेगा। तो आइस को रोकने के लिए हम ये लगाएंगे। ओके अभी हम इसको फ्रिज में डालेंगे, 8 घंटे के बाद इसको निकालेंगे। तो 8 घंटे के बाद हमारा आइसक्रीम रेडी होगा। दोस्तों हमारा आइसक्रीम रेडी हो गया है शायद, अभी हम फ्रिज में देखेंगे क्योंकि 8 घंटा हो गए हमने फ्रिज में डाला हुआ। सो हम अभी चेक करेंगे। दोस्तों अभी हम इसको खोल के देखेंगे क्योंकि बाहर पूरा बर्फ है। दोस्तों देखिए कितना मस्त हो गया आइसक्रीम हमारा। ये देखिए दोस्तों, क्या मस्त हो गया। दोस्तों हमारा आइसक्रीम रेडी हो गया, देखिए कितना अच्छा है, टेस्ट भी क्या मस्त है। और जिसमें हमने बनाया था ये भी देखिए। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और फीडबैक दें मुझे, और नेक्स्ट टाइम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए आप लोग के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।